की हमारी जर्नी है वो रहने वाली है छत्रपति संभाजीनगर से, मतलब कि औरंगाबाद से अहमदाबाद के लिए हमारी जर्नी होने वाली है। तो फिलहाल बस का जो टाइम है वो 4 बजे का है। तो ये है अपना कुछ 40 गाँव का बस स्टैंड, ये है कुछ अपना होटल आशीर्वाद, और यहाँ पे खड़ी है दूर हमारी बस। तो अपने साथ छत्रपति संभाजी नगर अहमदाबाद के जो कंडक्टर साहब है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? विमल भाई। विमल भाई, तो अपने साथ इस बस के जो पायलट है वो भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? घनश्याम भाई। तो पहुंच चुके हैं गीता मंदिर एसटी बस स्टैंड, और यहाँ पे हमारी बस खड़ी है छत्रपति संभाजी नगर अहमदाबाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज है तारीख 10 जून 2024, और आज हम लोग फिलहाल है छत्रपति संभाजी नगर मध्यवर्ती बस स्थानक पे। तो फिलहाल आज हमारी जर्नी वापस से इंटरस्टेट होने वाली है, और आज तभी टाइम देखो टाइम हुआ है 3:50, और आज की हमारी जर्नी है वो रहने वाली है छत्रपति संभाजी नगर से, मतलब कि औरंगाबाद से अहमदाबाद के लिए हमारी जर्नी होने वाली है। तो फिलहाल बस का जो टाइम है वो 4 बजे का है। बस अपनी GSRTC की आश्रम डिवीजन की गाड़ी है और अहमदाबाद की गाड़ी है। तो फिलहाल 4 बजे बस का निकलने का टाइम है। तो अभी छत्रपति संभाजी नगर का जो बस स्टैंड है उसका हम आपको नज़ारा दिखाएंगे थोड़ा, और बस दिखाएंगे बस कैसी है और फेयर कितना है, सब रूट कितना है, डिटेल कितना है। आज पूरा अहमदाबाद तक का अपना सफर होने वाला है। तो चलो, ये पूरा मध्यवर्ती बस स्थानक संभाजी नगर, यहाँ पे सब MSRTC की गाड़ियाँ भी है और यहाँ पे सब प्लेटफॉर्म लगे हैं। तो अभी टाइम बजा है 3:50, और अपनी गाड़ी आ चुकी है छत्रपति संभाजी नगर से अहमदाबाद। एक बार आपको रूट बोर्ड दिखा देता हूँ। छत्रपति संभाजी नगर से कन्नड़, 40 गाँव, दुलिया, साकड़ी, नवापुर, सूरत, बवडर, अहमदाबाद, ये ऐसा कुछ रूट आने वाला है। अहमदाबाद डिवीजन की बस है, आश्रम की बस है, और ये रहा कुछ अपनी गाड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे खड़ी रहती है। तो चलो चलते बस में अंदर, और गुज्जर नगरी एक्सप्रेस है, ये कुछ अपना ड्राइवर केबिन, और 3x2 का कॉम्बिनेशन है, पूरी इसमें 46 सीट है, 3x2 का कॉम्बिनेशन है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। तो चलो छत्रपति संभाजी नगर से निकलते और जर्नी को कंटिन्यू करते। टाइम हुआ है 4:05, और संभाजी नगर बस स्टैंड से निकल चुके। तो अब आने वाला है आगे कन्नड़, तो कन्नड़ का बस स्टैंड भी आपको दिखाएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते।
तो टाइम हुआ है 5:20 और अभी हम निकल चुके हैं कन्नड़ से। तो आगे कन्नड़ घाट भी आने वाला है, तो आपको घाट का व्यू दिखाएंगे और घाट कैसा है वो सब दिखाएंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। टाइम हुआ है 5:40 और कन्नड़ घाट चालू हो चुका है, जो कि महाराष्ट्र में सबसे जो डेंजरस घाट है उसमें कन्नड़ घाट का भी नाम आता है। तो देखते हैं कन्नड़ घाट के नज़ारे कैसे, कैसा कन्नड़ घाट है, कैसे रोड है, सब कुछ देखते हैं।
का यहाँ से ख़त्म होता है। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में आने वाला है 40 का, तो आपको 40 चौक का बस स्टैंड भी दिखाएंगे। तो फिलहाल जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो टाइम हुआ है 6:20 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 40 गांव, जो कि इस बस का दूसरा स्टॉप है। 40 गांव से बात करें तो 40 गांव का डिस्टेंस छत्रपति संभाजी नगर से अराउंड 100 किलोमीटर जैसा होता है, और यहां पे कुछ हमारा 10 मिनट का होल्ट है। तो चलो जर्नी कंटिन्यू करते, थोड़ा होल्ट लेते हैं, चाय पानी करते और फिर जर्नी कंटिन्यू करते। तो ये है अपना कुछ 40 गांव का बस स्टैंड, तो 40 गांव से होल्ट लेके निकल रहे हैं, तो चलो कंटिन्यू करते। तो अभी 6:35 हो रहे हैं और 40 गांव बस स्टैंड से अभी हम निकल चुके हैं। तो अभी हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे दुलिया पे, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो रात के बजे है परफेक्ट 7:55 और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धुलिया, जो कि अपना जो संभाजी नगर से अहमदाबाद जाने के लिए जो रूट है उसका एक मेन स्टॉप है। तो धुलिया में 7:55 का होल्ट है, धुलिया सेंटर पॉइंट है महाराष्ट्र के जो रूट है उसमें। तो एक साइड जाता है, एक रास्ता जाता है वो भूसावल की तरफ जाता है, एक रास्ता संभाजी नगर जाता है, एक रास्ता नासिक मालेगांव की तरफ जाता है और एक रास्ता अपने सूरत की तरफ जाता है, और एक जो रास्ता है वो सोनगीर और सिरपुर की तरफ जाता है। तो चलो जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, 5-10 मिनट का होल्ट है तो उसको पूरा करके। और राइट, तो अभी हम धुलिया बस स्टैंड से निकल चुके हैं और इसके बाद आने वाला है कुसुम्बा नेर, और उसके बाद आएगा साकड़ी, तो आपको साकड़ी भी दिखाएंगे, और उसके बाद आने वाला है होटल आशीर्वाद जो अपना ऑफिशियल होल्ट है, तो वो भी दिखाएंगे कि वो कैसा है, पूरा रूट आपको दिखाएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो 9:20 हुए और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताकड़ी। ताकड़ी में तो बुकिंग वाले उनको ये पिकअप कर रहे हैं, तो अभी 2 मिनट में पैसेंजर लेके निकल जाते हैं। तो ताकड़ी बस स्टैंड से अभी निकल रहे थे और अभी थोड़ी देर में होल्ट आने वाला है, तो होल्ट पे मिलके आपसे बातचीत करते हैं। तो रात के 10:10 बाकी है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं होटल आशीर्वाद, जो कि कोंडावाड़ी के पास है, और यहाँ पे हमारी बस का ऑफिशियली 30 मिनट का होल्ट है। तो देखते हैं कैसे होटल है, कैसा खाना है और फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये है कुछ अपना होटल आशीर्वाद और यहाँ पे खड़ी है दूर हमारी बस संभाजी नगर से अहमदाबाद। तो चलो अंदर चलते हैं खाना खाने। तो फिलहाल होटल आशीर्वाद पे और अपने क्रू सब खाना खा रहे हैं अभी, तो खाना खा के फिर बाद में बात करते हैं। टाइम हुआ है 10:00 अभी और ये रहा कुछ अपना खाना। तो अभी टाइम हुआ है 10:25 और यहाँ से होटल आशीर्वाद से अपना होल्ट ख़त्म हुआ है। फिलहाल अपनी बस यहाँ पे डिपार्ट करने के लिए रेडी है, तो चलो जर्नी कंटिन्यू करते।
से 15 मिनट। अभी हम लोग पहुँचे नवापुर, थोड़ी देर में गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर आएगी और उसके बाद आएगा सोनगढ़। तो महाराष्ट्र बॉर्डर आ चुकी है जो कि आनंदपुर गांव में, गुजरात महाराष्ट्र कैपोर्ट। की बॉर्डर यहाँ से पूरी होती है और अभी हम गुजरात में एंटर कर चुके हैं। तो गुजरात के एक्सेंट में, गुजरात में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो फिलहाल अभी सोनगढ़ आने वाला है, सोनगढ़ के बाद प्यारा के बाद बारडोली और बारडोली के बाद सूरत। तो ये रही उछल के ऊपर। तो फिलहाल रात के परफेक्ट 12 बजे और फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुजरात का पहला स्टॉप यानी कि सोनगढ़। सोनगढ़ में हमारी बस अंदर रिफ़िल करवाने गई है और रिफ़िल करवा के वापस हम जाएंगे अहमदाबाद की तरफ। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ सोनगढ़ का बस स्टॉप। तो ये रहा कुछ अपना सोनगढ़ का बस स्टॉप, कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े थोड़े लोग बैठे हैं, काफ़ी बड़ा है बस स्टॉप। तो फिलहाल हम अभी निकल जाते हैं। 1:15 बजे और अभी हम लोग आ चुके हैं सूरत और यहाँ पे भावनगर से धर्मपुर जाने वाली भी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पे सूरत के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी गाड़ी खड़ी है। तो फिलहाल सूरत से 2-3 मिनट ही खड़े रहेंगे और फिर अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और तो सुबह की एग्जैक्ट 4 बजे है और फिलहाल अभी हम लोगों ने लिया है रेस्टोरेंट लिया है बड़ोड़ा पोर के पास होटल गैलेक्सी पे, जो कि टी होल्ड है 10 से 15 मिनट का। यहाँ से अभी हम डायरेक्ट चलेंगे बड़ोड़ा और देन उसके बाद अब चलेंगे अहमदाबाद। तो रेस्टोरेंट लगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी हमारी 150 किलोमीटर की जर्नी अहमदाबाद तक की बाकी रह गई है, तो जर्नी वापिस से कंटिन्यू करते हैं। ये रहा कुछ अपना होटल गैलेक्सी जो कि बड़ोड़ा के पास है। 4 बजने आए हैं और ये रही अपनी बस GSRTC, सब प्राइवेट बस है, सिर्फ अपनी GSRTC की। और भाई तो सुबह के 5 बजने में 10 मिनट बाकी है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बड़ोड़ा, जो कि इसका टकन लास्ट स्टॉप है ये गाड़ी का। फिलहाल यहाँ पे 10 मिनट का होल्ट है, तो 10 मिनट का होल्ट लेके यहाँ से निकल रहे। तो ये है बड़ोड़ा का कुछ सेंट्रल बस स्टैंड जो कि 20 प्लेटफॉर्म का है, काफ़ी शानदार है, वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड है।
अपने साथ छत्रपति संभाजी नगर अहमदाबाद के जो कंडक्टर साहब है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? विमल भाई। विमल भाई, तो छत्रपति संभाजी नगर से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना होता है? 630। और ये फेयर कितना भाड़ा? 690। और कितने घंटे लगते आने जाने में? और टाइमिंग? टाइमिंग अपना ये 4 बजे का ही हुई संभाजी नगर से, और अहमदाबाद से रिटर्न 5:15। ओके, थैंक यू, आपके साथ बहुत मज़ा आया, तो फिर कभी आपके साथ वापिस जर्नी करेंगे। तो सुबह के 6:45 हो रहे हैं और अभी हम अहमदाबाद सिटी में एंटर हो चुके हैं और कुछ ही देर में गीता मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो आज का सफ़र हमारा यही तक था और आगे फिर कुछ लॉन्ग जर्नी करेंगे। तो अपने जो स्टाफ है विमल भाई और घनश्याम भाई, उनका बहुत बहुत थैंक यू, हमको बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू घनश्याम भाई। यह अपने घनश्याम भाई पायलट, और अभी फिलहाल गीता मंदिर पहुँचने वाले हैं, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपने साथ इस बस के जो पायलट है वो भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम भाई, तो इस रूट कितना किलोमीटर का है? आने जाने का 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर, और वाया कहाँ से होते जाता है? नवापुर, साकरी, धुलिया, चालीसगांव, कन्नड़, भिलोरा, दौलताबाद, औरंगाबाद। और इस रूट में आप कितने साल से? 4 साल से। 4 साल से। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस टोटल कितने साल का? 22 साल का। तो आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपके साथ जर्नी में बहुत मज़ा आया, फिर वापिस आपके साथ जर्नी करेंगे, तो थैंक यू। तो पहुँच चुके हैं गीता मंदिर ST बस स्टैंड, और यहाँ पे हमारी बस खड़ी है छत्रपति संभाजी नगर अहमदाबाद। जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, तो 6:50 पे हम गीता मंदिर पहुँच चुके हैं।